मित्रों, प्रत्येक वर्ष पौष मास अर्थात जनवरी माह के 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाया जाता है। हिंदू त्योहारों में यही एक ऐसा त्योहार है जिसकी तारीख प्रत्येक वर्ष समान रहती है। आज के इस वीडियो में हम अपने दर्शकों को बताएंगे मकर संक्रांति की कथा कि आखिर क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति और क्यों इसकी तारीख में बाकी उत्सवों की तरह कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, देवी पुराण के अनुसार सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के रंग रूप के कारण उनसे घृणा करते थे, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती और शनि देव की महिमा की अनुभूति हुई तो वे उनसे मिलने पहुंचे। अपने पुत्र से उनका पहला मिलन मकर संक्रांति के दिन ही हुआ था। तब शनि देव ने उनको काला तिल भेंट किया और उससे ही उनकी पूजा की थी। अपने पुत्र प्रेम से सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हुए। फलस्वरूप उन्होंने शनि देव को आशीष दिया कि जब भी वे उनके घर मकर राशि में आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा और इस दिन जो भी काले तिल से सूर्य देव और शनि देव की पूजा करेगा उस पर शनि दोष का प्रभाव कम हो जाएगा और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। और चूंकि मकर राशि के स्वामी शनि देव है, इसलिए सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने पर शनि देव का प्रभाव क्षीण हो जाता है और जो भी इस दिन उनकी पूजा करता है उसे शनि दोष से मुक्ति मिलती है और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन ही भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा राजा भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थी और भागीरथी के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसलिए इस दिन बंगाल के महासागर में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला भी लगता है। अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन यज्ञ में दिए द्रव्य को ग्रहण करने देवता स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं एवं इसी मार्ग से पुण्यात्माएं शरीर छोड़कर स्वर्ग आदि लोकों में प्रवेश करती हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव 6 माह दक्षिणायन और 6 माह उत्तरायण में रहते हैं। दक्षिणायन अवधि को देवताओं की रात्रि, नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक तथा उत्तरायण अवधि को देवताओं का दिन, सकारात्मकता एवं प्रकाश का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। महाभारत युद्ध में भी पितामह भीष्म ने अपनी मृत्यु के लिए सूर्य देव के उत्तरायण में जाने तक 6 माह की प्रतीक्षा की थी। साथ ही इसी दिन सूर्य देव का प्रवेश धनु राशि से मकर राशि में होता है। चूंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए जो भी इस दिन उनकी पूजा करता है उसे शनि दोष से मुक्ति मिलती है और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। वर्तमान शताब्दी में यह अवधि जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 या 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें काला तिल, अक्षत, फूल और लाल चंदन डालकर सूर्य मंत्र का जाप करते हुए उस जल को सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। मित्रों, यह त्यौहार भारत के लगभग सभी प्रांतों में मनाया जाता है। देश के दक्षिणी हिस्से में इसे पोंगल, जम्मू में उत्तरायण, बिहार में खिचड़ी तो नेपाल में माघ संक्रांति और लगभग पूरे भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, नई जिंदगी की ओर से आप सभी को शुभ मकर संक्रांति। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, धन्यवाद।